गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश, एंड इन इंग्लिश वी विल डू ऑपोजिट वर्ड्स। So students, let's start today's class. First word is begin. Begin. Begin का मतलब start. Begin. What is the meaning of begin? Begin means स्टार्ट, किसी चीज को स्टार्ट करना। सो ऑपोजिट ऑफ बिगिन इज एंड। एंड बिगिन मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना। और स्टार्ट का ऑपोजिट क्या होगा? एंड। एंड सो बिगिन एंड एंड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब बहुत ही फुर्तीला होना। कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें कोई भी काम बोलो तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। एंड ऑपोजिट ऑफ एक्टिव इज लेजी। अब कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही कैसे होते हैं? लेजी होते हैं, जिनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? लेजी। सो एक्टिव एंड ऑपोजिट ऑफ एक्टिव इज लेजी। ल ए ले ज ई जी लेजी। एक्टिव लेजी। नेक्स्ट वर्ड इज पिक। And opposite of pick is drop. Drop. Pick, drop. जैसे आपकी स्कूल की वैन सुबह आपको आपके घर से पिक करती है और कहाँ ड्रॉप करती है? स्कूल में। सो पिक ड्रॉप। ड र ओ प ड्रॉप। ड र ओ प ड्रॉप। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल मतलब सुंदर। ब्यूटिफुल लाइक शी इज वेरी ब्यूटिफुल। और क्या हो सकता है? माई मदर इज वेरी ब्यूटिफुल। तो ब्यूटिफुल का मतलब खूबसूरत या फिर
सुंदर। Opposite of beautiful is ugly. Ugly, ugly means बदसूरत, जो सुंदर ना हो दिखने में। ugly मतलब बदसूरत। ugly, beautiful, ugly. Next word is give मतलब देना, give. And opposite of give is give मतलब देना, take मतलब लेना, give, take. Next word is friend. Friend मतलब दोस्त, friend. जैसे आपकी भी बहुत सारे friends हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, so friend. Opposite of friend is enemy मतलब दुश्मन, friend मतलब दोस्त, तो दोस्त का उल्टा क्या होगा, दुश्मन. So friend and opposite of friend is enemy मतलब आपका दुश्मन, enemy. Next word is day मतलब दिन, day मतलब दिन. And opposite of day is night. Night मतलब रात, day, night, दिन, रात. Next word is catch. Catch. Catch का मतलब तो आप सभी को पता होगा, जैसे आप बॉल कैच करते हैं, catch. And opposite of catch is थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना.
So catch, throw. Next word is lost. Lost. Lost hona matlab gum ho jana. Lost. For example, I lost my pencil. So, lost. And opposite of lost is found. Found. Lost matlab gum hona aur found matlab mil jana. I lost my pencil and then I found my pencil. Maine apni pencil dhoond li. So students, these are some words which you have to do. These are some opposite words which you have to do in your English notebook, and you have to learn it as well. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.